भगवान भाव सिखाते हैं, और इसी भाव को लिए बैठी थी विदुर की पत्नी विदुरानी। नाम सुलभा घर में आश लगाए बैठी थी कि श्री कृष्ण मेरे घर आएंगे, मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करेंगे, और भक्त की जो मन की आवाज़ होती वो बिन बोले भी उन तक पहुंच जाती है, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, मन का भाव पहुंच जाता है। और बस रथ सीधा जाके विदुर के घर रुका, भगवान उतरे, भीतर गए, विदुरानी ने स्वागत किया, पर उस स्वागत में वो सब कुछ भूल गए, उसको कुछ होश नहीं रहा, कहाँ बिठाना है, क्या करना है, क्या खिलाना, कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रेम में भूल भी मजा देती है, प्रेम में भूल आनंद देती है। कभी कभार होता है ना, आप किसी के घर जाते हो भोजन पाने के लिए, तो जब पूरा भोजन खत्म हो जाता तब घर की मैया दौड़ी दौड़ी आती है, अजी मैं रायता देना तो भूल ही गई, क्यों? क्योंकि वो आपके आने की खुशी में इतनी बावरी होती है, उसे होश नहीं रहता। तो अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि हम तो भूल ही गए आपके आने में क्या देना, तो क्या आप उस पर नाराज होगे? क्यों नहीं दिया रायता? बल्कि हृदय में और खुशी होती है कि देखो हमारे आने से कितनी खुश हो गई, कुछ याद ही नहीं रहा। तो भूल वैसे तो गलत है, लेकिन प्रेम में जब वो भूल की जाती है तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो विदुरानी आज क्या खिलाऊं भगवान को, आहा मेरे घर द्वारिकाधीश पधारे हैं, गोविंद पधारे, भागी भागी रसोई घर गई, इधर सामान देखा, बर्तन देखे, सब खाली थे, बस रसोई घर में थोड़े केले रखे थे, सो उठा के भाग करके लाई और ला करके भगवान के सामने खड़ी हो करके उसने छिलका उतारा, और छिलका उतार के क्या किया ये बताना पड़ेगा मुझे। सब जानते हैं उसने इतिहास रच दिया कि केले के गिरी को बाहर फेंक रही है खिड़की से, और छिलके को द्वारिकाधीश को खिला रही है, और भगवान बड़े आनंद से पा रहे, मानो 56 भोग आज खिलाए जा रहे हो भगवान को। संत कहते हैं भैया बड़ी बात ये नहीं थी कि विदुरानी भूल गई क्या खिला रही, बड़ी बात ये है कि भगवान भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे। प्रेम के वश में, प्रेम के वशभूत होकर, इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, सब नियम रखे रह जाते हैं जब प्रेम प्रकट होता है।